हेलो दोस्तों, मैं देव फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारे बेसिक टेंथ के लिए, 9th और 10th में जो अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए। तो दोस्तों, उनके लिए एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इस टाइप से भी आते हैं कि जैसे मल्टीप्लाइंग क्वेश्चन होते हैं, इनको जो फॉर्मूले होते हैं हमारे, जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना पड़ता है, तो वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करना कैसे है ये मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे इन क्वेश्चनों के लिए कि हम इनको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे कैसे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखना कैसे है, सबसे पहले ये जो हमारा 98 है, क्या है हमारा 98, तो 98 को क्या लिखना है, 100 माइनस 2। क्योंकि अगर 98 को हम 100 माइनस 2 लिखेंगे तो बात वही है, हमारा 98 ही आने वाला है ना। तो ये मल्टीप्लाई है। और 89 को क्या लिखना है, 100 माइनस और 11। अब इसको तोड़ दिया हमने, अब तोड़ने के बाद इसको आगे सॉल्व करना कैसे है, ठीक है। तो इसको 100 माइनस 2 है ये वाला पार्ट, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे। ये मल्टीप्लाई होता कैसा, आपने ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी समथिंग, कुछ ऐसा फॉर्मूला है। तो इसको अगर मान के चलो ये सी है और ये भी अलग है डी है, ठीक है। तो ये इसको फॉर्मूला जो है इसको सॉल्व करते कैसे हैं, पहला ये वाला इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होता है ना, फिर ये वाला किसके साथ, पूरे के साथ मल्टीप्लाई होता है ना। तो वन बाय वन वाला मल्टीप्लाई वाला मेथड इसमें यूज करेंगे हम, ठीक है। तो सेम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 पूरा मल्टीप्लाई होगा 100 माइनस 11 के साथ, ठीक है। अब देखो ये -2 है, क्या है ये -2 है हमारा, है ना। तो -2 यहाँ पे आ जाएगा, पूरा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ 100 माइनस 11 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो आगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 0 आ जाएंगे, है ना। अब 111 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस आ जाएगा और 11 100 हो जाएगा, है ना। अब ये -2 है तो ये प्लस है माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा, 100 × 2 क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। -× - क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये 2 है, ये 11 11 2 = 22 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में अब देखो ये प्लस का है हमारा का है, ठीक है, और ये दो माइनस का है। तो पहले इन दोनों को अलग लिखेंगे और इसको अलग लिखेंगे, है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 1 0 0 और ये 2 2, है ना। अब ये माइनस हो जाएगा तो ये भी जुड़ जाएगा आपस में, तो कितना हो जाएगा, 1 3 0 0, ठीक है। तो ये इतना बन जाएगा। अब इसमें से इसको लेस कर देंगे, ठीक है, ये बन जाएगा 2, इसमें से लेस करेंगे ये 2, ठीक है। अब ये 7 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों ये मेथड है हमारा, ठीक है। इस मेथड से जो हम फॉर्मूले के रूप में हमने इसको लिखा, कैसे लिखा, 98 को हमने तोड़ा 100 माइनस 2 में, और 89 को हमने तोड़ा किसमें, 100 माइनस 11 में, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसी तोड़ना है आपको, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है सेम तोड़ना है, तोड़ के मैं दे दूंगा, ये आपको खुद करना है, ठीक है। तो तोड़ना कैसा है इसको, 100 प्लस 7, ठीक है। अब इसको तोड़ना है, आएगा 200 माइनस 3, ठीक है। अभी मैंने तोड़ दिया है, इसको आप खुद सॉल्व करोगे, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है। तो ये आप लोग खुद सॉल्व करोगे, ठीक है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक और शेयर जरूर कर देना, और हमारे चैनल स्टडी टेक को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, धन्यवाद।